نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون

का दायरा कार जैसे दुनिया की तमाम जग्राफियाओं पर महीत है इसी तरह ज़मानी एतबार से भी तामत ता है क़यामत तक के लिए जो आपकी बेसत है उस बेसत के लिए आपको इस दुनिया में कुरान हकीम की सूरत में एक दस्तूर अता किया गया और उस दस्तूर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबूस करके एक अमली निज़ाम की तश्कील कराई गई आपने दुनिया में क़ुर हकीम की असास् पर एक मुकम्मल और एक मुफसल निज़ाम हयात तश्कील दिया। इस निज़ाम हयात को समझने के लिए उसको जानने के लिए अल्लाह ताला ने इस उम्मत को ये तोहफ़ी कता की कि उसने के सरशादात मुबारक को और आपकी ज़िंदगी की, की अमली तफसीला को भी महफूज किया दुनिया में बहुत से मजाहब हैं और उन मजाहब के मानने वालों की एक बड़ी तादाद है। ये मजाहब अपने जिन बानियान की तरफ जिन शख़्सियात की तरफ नस्बत रखते हैं उन शख्सियात की मजमू तौर पर ज़िंदियों की तफसीला मुकम्मल तौर पर दस्याब नहीं है, कि वो बानिय मजहब जिसको कहते हैं जिसको समझते हैं या जिस पर ईमान रखते हैं कि उस बानिय मजहब ने दुनिया में ज़िंदगी किस तरह बसर की उसने अल्लाह ताला के पैगाम की रोशनी में माशरे को कैसे तश्कील दिया क्या नज़ाम ज़िंदगी उसने सोसाइटी को मुंतकिल किया ये तफसीलात मौजूद नहीं हैं। कुछ के बारे में तो सिर्फ़ और सिर्फ एक खयाल है कि एक कोई बहुत अज़ीम शख्सियत दुनिया में आई थी और कुछ कई तफसीलात हैं लेकिन उन तफसीलात में बहुत सारे पहलू मौजूद ही नहीं हैं जिनके कुछ पहलू मौजूद हैं उसमें भी जाहिर है कि बहुत सारी आ राह हैं कि ये मालूम कहाँ तक मुसदा इन तमाम चीज़ों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इम्तियाज़ हासिल है कि आपकी ज़िंदगी आपकी जदोजहद आपकी सोसाइटी की तामीर व तश्कील के लिए दी गई रहनुमाई वो अपनी तमाम तर तफसी के साथ महफूज है जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि रहती दुनिया तक कुरानी हकीम को समझने के लिए उस पर एक अमली निज़ाम तश्कील देने के लिए किसी किस्म की कोई तश्नगी नहीं किसी किस्म का कोई इबहम नहीं लेकिन इस पुराने हकीम से और इस पर रसोल्ला अलैहि वसल्लम की तालीम तशरी से वाकफियत उसी सूरत में होगी जब हमें सही मानों में दीन की हकीकत समझ में आएगी दीन क्या है दीन की तालीमत किस नौीयत की हैं रसोल्ला वसल्लम की इस दुनिया में जद्दोजहद किन मराहिल से गुजरी दीन की हकीकी मानों में सूझबूझ हासिल करना इसको कहा जाता है कुरान हकीम की जबान में फिद्दीन यानी दीन की हकीकत को समझना दीन की तालीमत की नौीय को जानना कि रसूल सल्ला व्ल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई या ये काम किया तो इसके मकासद क्या थे ये ज़िंदगी की तरजीहात में किस दर्जे की बात की गई क्योंकि तो तफक्न यानी दीन की हकीकी सूझबूझ दीन का हकीकी हकीीकी हासिल किए बगैर हम दीन की तालीमत से सही तौर पे फ़ायदा नहीं उठा सकते जो सती किस्म का इल्म होता है उस सती इल्म से दीन की बहुत सारी तरजीहत खलतमल्त हो जाती यानी एक अहम चीज़ हो सकता है गैर अहम बना दी जाए और गैर अहम चीज़ को आप अहम बना दें तो हर चीज को उसके सही पसे मंजर में जानना दीन के हकीकी मकसद को समझना इसके लिए दीन का गहरा इल्म जरूरी है इसी को कहते हैं तफक्न दीन की हकीकत तक रसाई हासिल करना चुनाचे दीन इस्लाम में जिन शख्सियात को फ़कहा कहा जाता है जिस शख्सियत को फ़कीह कहते हैं ये क्या शख्सियत होती है ये कौन लोग होते हैं ये वो लोग होते हैं कि जो दीन का पूरा मुताला करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आगही हासिल करके आयात व अहादीस का पस मंजर जानकर वो उन तलीमत की नौीय मुतिन करते कि ये रसोल्ला सल्ह्लम का अमल या आपका इर्शाद ये क्या मानवीय रखता है इसका दायरा कार क्या है इसका अव्वल मुखातब कौन है इस हुक्म को अमली शक्ल देने के लिए क्या क्या तकाज़े? ये पूरा का पूरा एक इल्म वजूद में आ गया तो फुकाहाब वो होते हैं जो दीन की हकीकत को समझते हैं दीन के पस मंजर को समझते हैं मकासद को समझते हैं इसी वजह से दीन के अंदर बायदा हमें अहकाम की एक तरतीब नज़र आती है कि शरीय जब हुक्म देती है कोई हिदायत देती है कोई रहनुमाई करती है तो बायदा उसकी दर्ज़बंदी की गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म या कुरान हकीम की आयत की ये हिदायत ये किस दर्जे की है ये महज हमें किसी काम करने की इजाजत दी जा रही है या हमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जा रहा है और हुक्म किस दर्जे में दिया जा रहा है मुमानियत अगर की जा रही है तो किस दर्जे में की जा रही है इस वजह से फुकाहा ने शरी अहकाम की सात दर्जा बंदियाँ की तौर पर इमाम अबू हनीफा रहा जो फ़िक्र है जिस तरह उनने दीन को समझा और बाद के लोगों ने उनके उस फैम और शोर से रहनुमाई हासिल की उन्होंने शरी अहकाम की सात दर्जा बंदियां की कुरान हदीस का हुक्म अगर उसमें हमें किसी काम के करने का तकाज़ा है कि ये काम करो तो या तो फर्ज दर्जे की बात होती है नमाज की अदायगी है रोज़े का हुक्म है जक़ात की अदायगी है हज की अदायगी है इस तरह की एक तफसीतें जिनको हम कहते हैं कि फर्ज दर्जे की चीज है कुछ अहकाम ऐसे हैं जिनके करने का भरपूर तकाजा किया गया लेकिन ये उस फर्ज़ दर्जे से कुछ कम है उसका एक अलहदा उननेवमान तय किया बात को समझाने के लिए कि यह हुक्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्ज़ दर्जे का तो नहीं है लेकिन है ज़रूरी तो उसको उन दिया कि यह वाजिब दर्जे की चीज़ है लाजमी दर्जे की चीज़ है अब ये जो अलीदा उननेमानात तय किए हैं ये असल में इसके पीछे एक बहुत वसी और गहरा मुताला है कि उन्होंने उन अहकाम को बाकायदा मुतन किया कि इसकी दलील की नौीयत क्या है इस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अमल किया मुसलसल अमल किया मुस्तकिल अमल किया या उस अमल के अंदर कभी कोई एक आद वाक़ हमें ऐसा मिलता है कि उस पर अमल नहीं हुआ इतनी बारीकी के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आपकी जिंदगी को पढ़ा और देखा गया और उसी लिहाज से उसका दर्जा भी मुतयन कर दिया कि यह फर्ज है तो फिर ये वाजिब है जैसे हम सब जानते हैं हमें बताया जाता है कि आप रात को जो नमाज अदा करते हैं नमाज वित्र वो वाजिब दर्जे की है अब इसके पीछे गहरा इल्म है कि आप इशाक की जो चार रकाते पढ़ते हैं वो फर्ज और उसके बाद जब तीन रकाते पढ़ रहे हैं वाजिब पढ़ना दोनों का जरूरी है लेकिन उनके जरूरी होने के अंदर भी उन्हें दर्जाबंदी कर दी यह है जिसको कहते हैं कि आप दीन को पूरी गहराई के साथ पूरी तफसील के साथ उसका जायजा लेकर आप उसकी दर्जा बंदी कि हुक्म किस किस्म का है ये हुक्म मुस्तहक दर्जे का है पसंदीदा है होना चाहिए इंसान की तरक्की के लिए इसकी अहमियत है उसकी अखलाक की बुलंदी के लिए उसकी अहमियत है उसकी बातनी पाकिजगी के लिए अहमियत है लेकिन उसको लाजिम नहीं किया गया तो जिस शख्स के पास तफक्न होगा यानी पूरे दीन को पूरी शोर के साथ गहराई के साथ उसके मकासद के साथ उसके पसे मंजर के साथ समझेगा तो वो हर चीज को उसके मुनासिब जगह पर रखेगा कि इसकी जगह क्या बनती है इसकी जगह क्या बनती है और जिसका सती इल्म होगा तो वो सबको बराबर कर देगा इसको कुछ नहीं पता चलेगा कि इसकी हकीकत क्या है इसकी अहमियत क्या है इसका दर्जा क्या है इसकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी तो नतीजा क्या निकलेगा दूसरी चीज के अंदर खिलाफ वर्जी होगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा तो ये दीन का फहम दीन का शूर ये दर हकीकत अफराद की तरक्की के लिए जरूरी होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम की जो जमात साहबा है सोहबत के हवाले से दो तमाम सहाबा बराबर हैं, जिसको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसम की ईमान की हालत में सोहबत हासिल हो गई उस लिहाज से तो सब बराबर है लेकिन उनमें दर्जाबंदी किस बुनियाद पर है मसला उम्मत के अंदर हजरत अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह तक हम सबसे आला मकाम पे समझते हैं और फिर इसी तरह दीगर राशिदीन, अशर मुबरा इनकी खसूसियत बुनियादी तौर पर क्या है इनकी एक अहम खसूसियत यही तफक् दिन कि इस दीन को उन्होंने पूरी तरह समझा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ने बहुत बारीक बीनी से देखा और उसकी रोशनी में उन्होंने अपने अंदर ये सलाहियत पैदा की कि इस दीन की रोशनी में नए मसाइल का हल तलाश करें यही वो तरबियत थी कि जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए बहुत बड़ा खला पैदा हो गया जिसको हकीकी माने में खला कहता उन हालात में इस जमात साहबा ने किस तरह हालात का सामना किया एक तो उन्होंने अपने आप को संभाला और उस चलते हुए माशरे को जो अल्लाह के रसूल ने कायम किया था उसको मजीद से उन्होंने रोशनास कराया और फिर उनके सामने नए नए चैलेंजेस आए नए नए मसाइल आए इन मसाइल को उनने कैसे हल किया हालांकि वही का दरवाज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के साथ ही बंद हो गई कुरानी हकीम की आयात तय हो गई कि ये आयात है कुरानी है इसमें अब कोई इजाफा नहीं हो सकता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात का बाप बंद हो गया अब इस जखीरे से हमने नित नए मसाइल का हल तलाश कर लिया सोसाइटी फैल चुकी है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ फरमाते तो दीन का निज़ाम अरब में है और अब ये दुनिया के अंदर उसका फैलाव है इस जजीरे से अब बाहर लोग निकले हैं और न सिर्फ जजीरे से बाहर निकले बल्कि दुनिया की दो बड़ी कवतों का मुकाबला किया किसरा का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया उसका पूरा का पूरा इलाका मुसलमानों की फतूहत में शामिल हो गया और कैसर का इलाका जो है वो भी अपनी एशियाई और अपनी अफ्रीकी मकबूजात से शिकस्त खा गया अब ये जो पूरा का पूरा खित्ता है इस खित्ते के अंदर बहुत ज़्यादा तनव है बहुत सारी अकवाम पाई जाती है। हैं मुख्तलिफ ज़बाने हैं मुख्तलिफ कल्चर हैं मुख्तलिफ रुझानात हैं अब इन सारी कौमों को कुरान और हदीस के निज़ाम से जोड़ना वो कुरान और वो हदीस जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के साथ मुकम्मल हो चुका अब नए चैलेंजेस हैं नए मसाइल हैं नए हालात हैं नए रुझानात हैं जमात साहबा ने उन मसाइल का हल कैसे तलाश किया वही दरहकीकत बुनियादी खसूसियत और खूबी है जिसको हम तफक्न कहते हैं कि उनने कुरान और हदीस को पूरी गहराई के साथ समझा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहबत में रहकर उन्होंने अपनी सलाहियत को सकल किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहकर उन्होंने अपने अंदर मसाइल को हल करने की सलाहियत पैदा की यही सलाहियत सलाहियतफक्न कहलाती है वो रोशनी इनको हासिल हो गई कि इस कुरान और इस हदीस नबवी की रोशनी में वो नए मसाइल के हल को बड़ी आसानी के साथ अपने सामने रख रहे हैं वो मसाइल माशी भी हैं वो तमद्दनी भी हैं वो सियासी भी हैं उनका ताल्लुक रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी है कौमों के बाहमी ताल्लुक के हवाले से भी है बड़े ही पुरान तरीके से और बड़ी खुशसलूबी से इन मसाइल को हल किया उस कुरान हदीस से उन्होंने जो रहनुमाई ली यही रहनुमाई कहलाती है फिद्दीन जो कुरान हकीम ने कहा कि सारे लोग तो जाहिर है कि मुआरे में एक शोबे में नहीं जा सकते क्योंकि जब कोई तमद्दुन बनता है तो बहुत सारे शोबे होते हैं बहुत सारे अमली तकाजे होते हैं कुछ ने तजारत को संभालना होता है कुछ सनत की तरफ जाते हैं कोई ज़रात को अख्तीय करते हैं मुख्तलफ़ शोबाए ज़िंदगी हैं और हर शोबे के अंदर जाना ज़रूरी है सोसाइटी के लिए उसकी तरक्की के लिए उसकी तामीर के लिए जिस जिस शोबे की ज़रूरत है उस शोबे को जिंदा करना उसमें तरक्की करना ये फ़र्ज़ केफाय है एक साल माशरे का हर शोबा जो उस शोबे के हवाले से उस सोसाइटी को काम दे सकता है उसकी तरक्की में किरदार अदा कर सकता है उन तमाम शोबों का अहिया उनको जिंदा करना उनकी रोशनी में नए शोबों की तश्कल करना ये दीनी हवाले से भी फ़र्ज़ है फर्ज किफाया इसको कहते हैं कि हर शोबे के अंदर एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो उस शोबे में अपना किरदार अदा करके माशरे की तामीर तरक्की में हिस्सा डालो तो इसलिए अब सारे लोग तो तोाहिर है कि तफक्को द्दीन की तरफ नहीं आ सकते किसी जमात को इस जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी इसलिए कुरान हकीम कहता है वीन फिर काफा ये अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी नहीं रखी कि सारे अहली ईमान दीन की समझ हासिल करने के लिए मैदान में निकल पड़े किसी एक शोबे की तरफ सारे चल पड़े बाकी शोबों को नजरअंदाज कर दें ये तो मतलू भी नहीं अगर सारे के सारे लोग सिर्फ एक शोबे में दाखिल हो जाएं, तो बहुत सारे शोबे मअल हो जाएंगे निज़ामी ज़िंदगी दुरुस्त तरीके से नहीं चलेगा ये तो एक हकीकत है तो अब ऐसी सूरत के अंदर मुख्तलिफ लोगों के दरमियान तकसीमें कार होनी चाहिए एक साले मुआर इसी को कहते हैं कि जिसमें मुख्तलिफ़ शोबे जो सेहतमंद शोबे हैं जिसके ज़रिए सोसाइटी को तामीर हासिल होती है तरक्की हासिल होती है माशरा आगे बढ़ता है उसकी सलाहियतों में इजाफा होता है हर शोबे के लिए अफराद कार मुहैया करना यह एक साले निज़ाम की जिम्मेदारी है उसी पस मंजर में कुरानी हकीम ने कहा कि फलोला नफर मिनकुल्ली फिर कतिम मिनहुम ताइफा ऐसा क्यों नहीं होता कि हर जगह से एक जमात एक गिरोह एक अफराद की एक तादाद वो बाहर निकले किस मकसद के लिए लिया तफक् दिन कि वो दीन की वो हासिल करे दीन है क्या दीन के तकाजे क्या हैं दीन की तालीमत क्या हैं दीन के मकासद क्या हैं ताकि उस दीन को उस सोसाइटी का वो रहनुमा बनाए सोसाइटी के तकाज़ों को इस दीन की रोशनी में उनका रुख मुतन करें यह उस जमात की जिम्मेदारी है अब इस मकसद के लिए दो बड़ी बुनियादी सलाहियतों का होना जरूरी है एक सलाहियत तो यह कि हालात का सही इधरक हो कि हालात हैं क्या मुआरा कहां पर खड़ा है इसकी चैलेंजेस क्या हैं इसको क्या मसाइल दरपेश हैं? आज की नौयत क्या है जमाना क्या तकाज़ा कर रहा है जमाने में दबाव किन चीजों का है इन चीजों का जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसके लिए अरबी जबान के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कि उनको फिकदसा का पता होना चाहिए यानी जो नई चीज रूनुमा हो रही है यह है क्या अगर हमें उस नौत का ही नहीं पता तो उसका हम हल कहां से तलाश करेंगे ये मसला क्या है ये माशी मसला है सियासी मसला है कौमी दर्जे का है बेवाामी दर्जे का है इसका पस मंजर क्या है ये दाखिली रुझान से उठा है बैरूनी दबाव से पैदा हुआ है इसके महरक क्या हैं इसका असल चेहरा क्या है मसले की नौीय का जानना बहुत ज़रूरी है कि हालात ज़माना है क्या आज का ट्रेंड क्या है आज का रुझान क्या है और ये रुझान किसने मुतन किया ये हकीकी रुझान है यह मसनू रुझान है ये दबाव के जरिए पैदा किया जा रहा है या बाका जमाने के इरतका से पैदा हुआ तो हालात ज़माना का अगर इदराक नहीं होगा तो आपके पास कितना ही वसी इल्म हो आपका वो इल्म उस सोसाइटी के लिए रहनुमा नहीं बन सकता रहनुमा कब बनेगा जब आपको उस जमाने का उस जगह का उन हालात का उस बड़ आजम का इल्म होगा कि ये क्या है इसलिए जो फुकाहा होते थे वो हमेशा इन चीजों पर बड़ी गहरी नजर रखते थे कि सोसाइटी के अंदर क्या चीज चल रही है इमाम अबू हनीफ़ा के एक शागिर्द हैं बहुत मरूफ जिन्होंने सारी की सारी हनफी फिक मुद्वन की है इमाम मोहम्मद बिन हसन ए उनका एक मामूल था कि जो उनके पास शागिर्द मौजूद होते थे उनको साथ लेकर पिछले टाइम में असर के वक्त वो मार्केट का एक दौरा करते थे तो एक दिन उनका एक शागिर्द पूछने लगा कि हमें आपके इस दौरे की समझ नहीं आए हम तो ये इसलिए आपके साथ जाते हैं कि शायद आपने कोई चीज खरीदनी होगी तो हम भी साथ चल पड़ते हैं लेकिन हम नोट कर रहे हैं कि आप बस चक्कर लगाते हैं लोगों से हालात पूछते हैं कुछ रेट पूछे कोई बातचीत की खरीदा कुछ भी नहीं तो हमें नहीं समझ में आया कि आपके इस दौरे का मकसद क्या है जो इतने इतमाम के साथ आप जाते हैं जबकि दूसरी तरफ ऐसी अहादीस मौजूद हैं जिसमें कहा गया कि ये सबसे बुरी जगह होती है बाजार खेचतानी होती है झगड़े होते हैं बदजबानी होती है वगैरह वगैरह और अपने वक्त का इमाम बड़े एहतमाम के साथ बाजार जाता है और जबकि उसने कुछ खरीदना भी नहीं है, तो इमाम मोहम्मद ने कहा कि अच्छा हुआ मैं चाहता था कि तुम कुछ बात करो मैं इसलिए जाता हूँ कि ताकि मुझे पता चले कि मार्केट का ट्रेंड रुझान है क्या इनकी ज़बान क्या है ये आपस में गुफ्तगु जो करते हैं ये होती क्या है क्योंकि कल इन में से कोई शख्स मेरे पास आएगा कोई मसला पूछने के लिए और मुझे पता ही नहीं होगा कि मार्केट की जबान क्या होती है उनके अंदर क्या रुझाना चल रहे हैं उनके क्या मसाइल हैं तो मैं उसकी क्या रहनुमाई करूंगा हो सकता है कि वो अपनी मतलब की बात बयान करके मुझसे राय लेना चाहता हो और मैं उसकी बात को कबूल करके कोई राय दे दूं जो वाकई के एतबार से दुरुस्त ना हो तो इसलिए मैं खुद एहतमाम करता हूं इस चीज को जानने के लिए कि ये सोसाइटी ये मार्केट ये तिजारत है क्या इनके क्या गुफ्तु होती है किस जबान में बात करते हैं क्या इनके दरमियान बातचीत चल रही होती है ताकि मैं इस पर जब बात करूं या कोई राय दू तो अपनी बसीरत से दू बजाय इसके कि कहने सुनने में कोई राय दे दो तो इससे पता चलता है कि दीन के फहम के लिए हालात हाजरा का जानना ही बड़ा जरूरी है ख़ास तौर पर जिस शोबे के अंदर आप रहनुमाई करना चाहते हैं अगर उस शोबे का आपको इम ही नहीं कि वो शोबा है क्या उसके अंदर मसाइल क्या हैं इसलिए तो कहा जाता है कि जो आलम दीन जिसके पास दीन का इल्म तो मौजूद है लेकिन वह हालात ज़माना को नहीं जानता तो वो इस लिहाज से बिल्कुल जाहिर है नावाकफ़ है कि जो अपने इल्म को जारी करने का और अपने इल्म के नफाज को नहीं जानता तो उस किताबी इल्म का क्या फायदा किताबी इल्म तो उस वक्त फ़ायदा देगा कि जब आप सोसाइटी के रुझान को समझें तो ये बड़ी बुनियादी अहमियत है तफक् दीन के लिए कि सोसाइटी का इल्म होना जरूरी है उसकी गिरदो पेश को जानना जरूरी है ज़माने के तकाजे को जानना जरूरी है उस जोग्राफिए के हालात को जानना जरूरी है और फिर उसके बाद इन हालात में शरीयत के हुक्म को किस तरह नाफिज करना होगा और शरीयत के हुक्म की कौन सी दर्जाबंदी आएगी अगर एक ममनुआ व बुरी चीज़ है वो हराम दर्जे की हो रही है या मकर तहरीमी के दर्जे की है या मकर तंजीही के दर्जे की है किस दर्जे की है और अगर एक ज़रूरी दर्जे की चीज़ है तो फर्ज दर्जे की है वाजिब दर्जे की है सुन्नत मुस्तहब दर्जे की है तो अगर उसको शरीय अहकाम की दर्जाबंदी का ही नहीं पता वो सबको एक ही लाठी से हाँक देता है या सबको जायज कर देता है या सबको नाजायज़ कर देता है तो तफक् दीन के लिए ये दो बड़ी बुनियादी चीजें हैं के हालात का इल्म होना चाहिए और फिर उसके बाद शरीयत के अहकाम की उसको दर्जा का इल्म होना चाहिए तो फिर जाकर वो इस कुरान व हदीस के ज़ख़ीरे से सही इस्तेफादा करें इसी को तफक्न कहते हैं इसके हामिलीन ही फुका होते चाहे वो फ़िकल कुरान हो हदीस हो इसके बग़ैर सती इल्म सिर्फ अल्फाज का इल्म है हक़ाइक काम ही नहीं है मकासद का इल्म नहीं है पस मंज़र का इल्म नहीं है इसी वजह से हज़रत इमाम शाह वली रहम हदीस के अंदर जिस चीज़ पर बुनियादी तौर पर तोज्जो दिलाई है कि इल्म हदीस के अलफा के साथ उसके रवायत के साथ उसके सनत के साथ इन सारे मबाज़ के साथ उसकी लगत के साथ उसके नामानूस अल्फाज की तशरीत के साथ साथ इन अहादीस के अंदर जो हकमत मौजूद है उसको जानना भी जरूरी है जिसको इल्म असरारद्दीन का अनुमान दिया जिसके लिए हजरत ने पूरी एक किताब हजरतलबालगागा मुरतब की वो बुनियादी तौर पर इस हदीस के असरार को जो रसूल सरशादात हैं इसके पस मंजर को इसके मकासद को इनके अंदर जो छुपी हुई हमत है उनको ये किताब आश्कार करती है तो आज सबसे बड़ी जरूरत इसी चीज़ की है कि हम इस हदीस के इल्म को उसके अल्फाज उसकी रिवायत सनत की बहसों के साथ साथ उसके जो असरार और हिकम है उस पस मंजर में इस इल्म को आगे बढ़ाए ख़ास तौर पर हमारा ये तलबा जिन्होंने इस इल्म को हासिल किया अब उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इसको अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाए एक दौर उनका मुकम्मल हो रहा है अब इस इल्म को मजीद पुख्ता करें इस इल्म को अब वो इन मानों में अमली बनाएं कि इसकी रोशनी में हमने सोसाइटी का मुताला करना मुआरे का मताल करना है हालात का जायजा लेना है उसके खरे खोटे को पहचानना है और वो सोसाइटी के खोट को दूर करना है इस कुरान और हदीस की रोशनी में और ख़ास तौर तो पर ये पूरा का पूरा एक हदीस का इस इसमें निज़ाम मुरतब हुआ बिलखसूस हजरत इमाम शाह अदील रही के उस रहनुमाई की रोशनी में अपनी ज़िंदगी इस पर मुरतब करनी है अपनी सोच इस पर मुरतब करनी है और इसको अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना अब यह उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो यकी क़ुरान हदीस का ये इल्म अगर तफक् के साथ होगा पूरी सूझबूझ के साथ होगा पूरे मकासद के साथ होगा और इस तारीखी तसलसल के साथ होगा तो ये इल्म आज सोसाइटी के मसाइल को हल करने के लिए हमें एक बुनियादी कलीद अदा करता अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे इन नौजवानों को अल्लाह ताला इस रास्ते में कबूल करे और उनसे दीन के गलबे और दीन के खिदमत का काम ले वाखिर दाबानादिल्ला रबीआलमी